तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो टेंगल अल्ताफ और मेरा नाम है अल्ताफ। तो आपको ये समस्या यानी प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपका ये कीबोर्ड इस तरह का नाम शो हो रहा होगा आपको। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसका सलूशन कैसे करें। तो चलो जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आपको आ जाना है, अपने पहले आ जाना है, आपको देख लेना है कि ये इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो इसको कैसे हटाएं और कैसे नहीं। तो आपको बहुत से वीडियो देखे होंगे और बहुत से लोग ने बताया होगा कि आपको जाना है अपनी सेटिंग में, और सेटिंग में और ऐप्स में, और आपको बहुत बताया होगा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व पे, यानी यहाँ से बहुत लोगों ने आपको बताया होगा। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको एकदम सिंपल तरीका बताने वाला हूँ मैं, एकदम और आसान तरीका। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कीबोर्ड डाउनलोड किया है तो हो सकता है कि आपका वो कीबोर्ड बैन हो गया है। तो मैंने ये कीबोर्ड डाउनलोड किया है, तो इस कीबोर्ड को मैं लिए जी इसको यानी डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और आपको फिर जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है हिंदी कीबोर्ड। हिंदी कीबोर्ड सर्च कर लेने के बाद आपको कुछ नीचे आना है, आप देख सकते हो हिंदी कीबोर्ड भारत। तो आप डायरेक्ट यानी हिंदी कीबोर्ड भारत सेलेक्ट यानी सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल हो रहा है, तब तक आपको वेट कर लेना है, और तब तक आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और अपने दोस्तों यानी फ्रेंड को सबको शेयर भी कर देना है वीडियो अच्छा लगे तो। ये अभी डाउनलोड हो रहा है, तो आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है। तो फाइनली आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। नमस्कार, हिंदी कीबोर्ड में आप तो आप देख सकते हो ये बोल रहा है कि हिंदी कीबोर्ड भारत में आपका स्वागत है। तो आपको हिंदी कीबोर्ड लगाएं, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको ऑन कर देना है इसको। तो इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ से हिंदी कीबोर्ड भारत पर सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर लेना है। फिर आप देख सकते हो इस तरह का चिपकाएगा, तो आपको आ जाए यहाँ से यानी सिलेक्ट कर लेना है अपना मन पसंदीदा कीबोर्ड। तो मैं अभी यही कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कीबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद इसको हटा देना है। हटाने के बाद आपको आ जाना है अपनी यूट्यूब के अंदर, और यूट्यूब के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आके कुछ इस तरह से। तो आपको इसको अलाउ दे देना है, और फिर आप देख सकते हो कि आपका कीबोर्ड हो चुका है, और कुछ इस तरह से आप अपना कीबोर्ड सही कर सकते हैं और वो नाम हटा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। आया तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तब तक लिए बाय बाय।